सबको राम राम। मेरा नाम है रवि। आज करते हैं हम हरियाणा का मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हरियाणा की विधानसभा। आप सबको पता है हरियाणा की विधानसभा से हरियाणा में एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ये मेरी गारंटी है कि इस क्लास को देखने के बाद आपका वो एक नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू हरियाणा की विधानसभा। देखो हरियाणा की विधानसभा, हरियाणा की विधानसभा विधानसभा का किस अनुच्छेद के तहत आती है? वो आती है आर्टिकल 170। विधानसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? वो है आर्टिकल 170 में। अगला कि हरियाणा की विधानसभा कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? वो है चंडीगढ़। वो है चंडीगढ़, चंडीगढ़ में। आपसे पूछ लिया जाए कि चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन है? डिजाइनर है ली काबुजियर। ली काबुजियर, ली काबुजियर है, ली काबुजियर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ली काबुजियर कहाँ के है? वो है फ्रांस के। वो है फ्रांस के। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस है सीन नदी के किनारे। सीन नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे है ये पेरिस। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि विधानसभा का डिजाइन किसने तैयार किया था? वो किया था ली काबुजियर ने। ली काबुजियर, चंडीगढ़ का डिजाइन भी इन्होंने तैयार किया था, और विधानसभा का डिजाइन भी ली काबुजियर ने किया था। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि विधानसभा का गेट किसने उपहार में दिया था? किसने उपहार में दिया था? वो दिया था फ्रांस ने। वो दिया था फ्रांस ने। देखो हरियाणा की विधानसभा कैसी विधानसभा है? वो है प्रथम प्रथम व निम्न सदन। प्रथम व निम्न सदन है हरियाणा की विधानसभा। ये अस्थाई है, अस्थाई, किसी भी समय भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये बनता है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि हरियाणा की विधानसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 25। उम्र होनी चाहिए 25। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि हरियाणा की विधानसभा में मुख्यमंत्री कौन बनता है? मुख्यमंत्री बनता है बहुमत दल का नेता। बहुमत, बहुमत दल का नेता या गठबंधन, गठबंधन का नेता, गठबंधन का नेता। आप सबको पता है हरियाणा में वर्तमान में गठबंधन की सरकार है। दो पार्टियां आपस में मिलकर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा की विधानसभा का गठन कब हुआ था? वो हुआ था 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की विधानसभा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा राज्य, हरियाणा राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को किस संविधान संशोधन के तहत? वो हुआ था 18वें, 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा देश का 17वां राज्य बना था। देश का 17वां राज्य, देश का 17वां राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है, जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना, तब विधानसभा की सीट कितनी थी? तब विधानसभा की सीट कितनी थी? वो थी 54। देखो अगर आपसे सीट पूछ ली जाए, वो सीट थी, सीट 54 थी। 1966 के समय जब हरियाणा बना था, तब सीट विधानसभा की 54 थी। और आपसे पूछ लिया जाए कि 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा राज्य गठन हुआ, तब आरक्षित सीट कितनी थी? तब आरक्षित सीट थी 10। 10 आरक्षित सीट थी। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि 54 से सीट बढ़ाकर 81 कब कर दी गई? 81 कब कर दी गई? 54 सीट से बढ़ाकर विधानसभा की 81 सीट कब कर दी गई? वो कर दी गई 1967।
1967 में कर दी गई। तब विधानसभा, दूसरी विधानसभा के इलेक्शन हुए थे। कब? सेकंड विधानसभा के इलेक्शन के दौरान, विधानसभा के इलेक्शन के दौरान। इलेक्शन के दौरान देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि 1967 में पहली बार हरियाणा में चुनाव हुए थे। 1967 में हरियाणा में पहली बार चुनाव हुए थे क्योंकि 1 नवंबर 1967 को जब हमारे मुख्यमंत्री बने वो चुनाव होकर नहीं आए थे, वो मनोनीत किए गए थे। मनोनीत पहले मुख्यमंत्री कौन थे हमारे? पहले सीएम, फर्स्ट सीएम वो थे भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा देखो जो हमारे भगवत दयाल शर्मा थे ये चयनित नहीं थे, ये मनोनीत थे। जब हमारा हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तब पंजाब के कांग्रेस के नेताओं ने भगवत दयाल शर्मा को हरियाणा का पहला सीएम बना दिया। देखो जब हमारा हरियाणा पंजाब से, पीएनबी को मैं पंजाब लिख देता हूँ, पंजाब हरियाणा से कब अलग हुआ? 1 नवंबर 1966 को तब अलग हुआ। पंजाब के नेताओं, कांग्रेस नेताओं ने मनोनीत करके भगवत दयाल शर्मा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ, पंजाब ने हरियाणा को कितना एरिया दिया, कितना क्षेत्रफल दिया? वो दिया 35.18%। 35.18% मतलब 44,212 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर इतना एरिया दिया। अगला क्वेश्चन ये बनता है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि तब हरियाणा और पंजाब एक साथ थे, तब विधानसभा की सीट कितनी थी? वो थी 154, वो थी 154। जब अलग हुए 100 तो रह गई पंजाब के पास और 54 आ गई हरियाणा के पास। देखो ये रह गई पंजाब के पास पीएनबी और ये आ गई हरियाणा के पास एचआर। हरियाणा के पास जब हरियाणा गठन हुआ तब हरियाणा के पास 54 सीट थी विधानसभा की, 54 सीट थी। और 1967 में ये 81 हो गई जब सेकंड विधानसभा के इलेक्शन हुए तब। और अगला क्वेश्चन ये बनता है कि पहली बार हरियाणा में चुनाव कब हुए थे? 1967 में पहली बार चुनाव, पहली बार चुनाव। अगला क्वेश्चन ये बनता है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 81 से बढ़कर सीट 90 कब हो गई? 81 से बढ़कर सीट 90 कब हो गई? कब हो गई थी? यह हो गई थी फोर्थ इलेक्शन में, विधानसभा के जो फोर्थ इलेक्शन हुए थे तब विधानसभा की 90 सीट हो गई थी। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए किस विधानसभा के दौरान 81 सीट से बढ़कर 90 हो गई, किस विधानसभा के दौरान? वो हो गई पांचवी विधानसभा के दौरान। देखो पांचवी विधानसभा के दौरान जो हमें मनोनीत किए गए थे भगवत दयाल शर्मा, उसको भी मिलाकर ये पांचवी हो गई थी, पांचवी विधानसभा, तब 90 सीट हो गई थी। अगर ये पूछे किस विधानसभा के दौरान, जब इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन को जोड़े तो फोर्थ में, कि पहली बार हमारे 1967 में हुए थे और फिर फोर्थ विधानसभा के जब इलेक्शन हो रहे थे तब 90 सीट हो गई थी। अगर पूछ लिए किसके दौरान, किस विधानसभा के दौरान, पांचवी विधानसभा के दौरान हमारी 81 सीट से बढ़ाकर 90 हो गई। अगला क्वेश्चन है देखो, हरियाणा में जिले कितने हैं? आप सबको पता है कितने हैं साहब? 22, सबको पता है 22। इन 22 जिलों में विधानसभा की सीटें कितनी है? वो है 90, वो है 90। देखो मैं इसको इधर इस साइड लिख देता हूँ, विधानसभा, मैं VD लिखूँगा विधानसभा को। कितने हरियाणा में कितने जिले हैं? जिले पहले जिले रखते हैं 22। कितनी विधानसभा है? 90। देखो 90 में से आरक्षित सीट कितनी है? आप सबको पता है 17 है। कितनी है? 17 है।
आसू को यह भी पता है कि एक जिले से सिर्फ एक सीट आरक्षित हो सकती है, एक जिले से एक सीट आरक्षित हो सकती है, 17 सीट आरक्षित है तो कितने जिलों में होगी, 17 ही जिलों में आरक्षित होगी, मतलब 17 जिलों में 17 ही सीट आरक्षित है, रह गए 5 जिलों में एक भी सीट आरक्षित नहीं है। सवाल ये उठता है कि वे कौन से जिले हैं जिनमें विधानसभा की एक भी सीट आरक्षित नहीं है, वो है देखो हम इसको एक ट्रिक से पढ़ेंगे, एक ट्रिक से, PDFMN, ये हमारी ट्रिक है, कितनी प्यारी ट्रिक है हमारी, देखो PDFMN, पी से बनेगा पंचकुला, पंचकुला, और डी से बनेगा चरखी दादरी, चरखी दादरी, और एफ से बनेगा फरीदाबाद, फरीदाबाद, और एम से बनेगा महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, और हमारे एन से बनेगा नुहू या मेवात, नुहू या मेवात। देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है, ये भी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चरखी दादरी बनने से पहले एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता था कि हरियाणा में वह कौन सा जिला है जिसमें विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं, वो है पंचकुला, क्योंकि पंचकुला के अंदर 2 सीट हैं विधानसभा की, 2। अब जो चरखी दादरी बन गया तो इसके अंदर भी विधानसभा की 2 सीटें हैं, इसलिए एग्जाम में अगर अब पूछ ले कि वह कौन सा जिला है जिसके अंदर विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं, वह है पंचकुला और चरखी दादरी, ये ऑप्शन में एक साथ में मिल सकते हैं तो ए और बी दोनों लगा दियो, अगर ऑप्शन में एक है या पंचकुला मिलेगा या आपको चरखी दादरी मिलेगा, आपको ऑप्शन में सिर्फ एक मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे, दोनों मिलेंगे तो आपको ए और बी ऑप्शन दोनों साथ में मिलेगा। देखो अगला प्रश्न ये बनता है, नुहू और मेवात में 3 सीट हैं, नुहू और मेवात में 3 सीट है, देखो 3 सीट, एक पहली है खुद नुहू या मेवात, नुहू या मेवात खुद, अगली है पुनाना, 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 और तीसरी है, तीसरी वो है फिरोजपुर झिरका, फिरोजपुर झिरका, आप कहोगे सर आपने इसकी तीनों क्यों बताई, मैंने तीनों ये बताई इसके पीछे के लॉजिक है। देखो फिरोजपुर झिरका एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया गया था कि वह कौन सी विधानसभा की सीट है जो तीनों ओर से एक राज्य से घिरी हुई है, वो जो एक राज्य से घिरी हुई है वो है फिरोजपुर झिरका, किस राज्य से घिरी हुई है, यह राजस्थान, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर डबल स्टार लगा लियो कि वह विधानसभा की वह कौन सी सीट है, कौन सी सीट है जो तीनों ओर से एक राज्य से घिरी हुई है, वो है राजस्थान, राजस्थान से घिरी हुई है फिरोजपुर झिरका, नुहू और मेवात की एक विधानसभा की सीट है। अगला है देखो फरीदाबाद में कितनी सीट हैं, वो है 6, महेंद्रगढ़ में है 4, नुहू और मेवात में 3। अगला है हरियाणा में किस जिले में विधानसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं, वो है हिसार में, वो है हिसार में, देखो हिसार में विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, वो कितनी है, वो है 7, और कम है पंचकुला और चरखी दादरी में, 2-2 हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन ये बनता है आरक्षित 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 सीटों में आरक्षित सीटों में विधानसभा की सबसे बड़ी सीट कौन सी है, आरक्षित सीटों में विधानसभा की सबसे बड़ी सीट कौन सी है, वो है रतिया, वो है रतिया, रतिया कहाँ पर है, फतेहाबाद में, रतिया है फतेहाबाद, फतेहाबाद। अगला क्वेश्चन ये बनता है आरक्षित सीटों में
विधानसभा की सबसे छोटी सीट कौन सी है? कौन सी सीट है बताओ? वो है करखोदा, खरखोदा। वो है सोनीपत के अंदर, वो है सोनीपत के अंदर। आप सबको पता है सोनीपत को हम एजुकेशन सिटी भी बोलते हैं, एजुकेशन सिटी, एजुकेशन सिटी भी बोलते हैं। देखो अगर अगला, अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि विधानसभा की सीट सबसे बड़ी कौन सी है क्षेत्रफल में, अगर आपसे क्षेत्रफल में पूछ ले तो वो है क्षेत्रफल में विधानसभा की सबसे बड़ी सीट, वो है लोहारू, लोहारू, लोहारू। आप पूछोगे सर ये लोहारू कहाँ पे है? ये भिवानी, भिवानी के अंदर है लोकसभा की सीट है क्षेत्रफल में, वो है लोहारू, लोहारू भिवानी में। देखो अगर छोटी पूछ ले, छोटी, छोटी कौन सी है क्षेत्रफल में, वो है बल्लभगढ़, बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ का हाल ही में नाम चेंज कर दिया गया है। बल्लभगढ़ का नाम क्या रख दिया गया है? बलरामगढ़। याद रखियो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बल्लभगढ़ का नाम क्या चेंज कर दिया गया है? बलराम, बलरामगढ़ कर दिया गया है, बलरामगढ़, बलरामगढ़। अगर ये पूछ ले कि क्षेत्रफल में विधानसभा की सबसे बड़ी सीट है वो लोहारू भिवानी, अगर लोहारू भिवानी ऑप्शन ऑप्शन में नहीं है तो क्या ऑप्शन में मिलेगा आपको? मिलेगा वो फरीदाबाद, फरीदाबाद। देखो चौंकने वाली बात नहीं है, बड़े आराम से देखो। अगर एग्जामिनर ये पूछे कि क्षेत्रफल में विधानसभा की सबसे बड़ी सीट कौन सी है, वो है लोहारू जो भिवानी के अंदर है। अगर ऑप्शन में लोहारू नहीं मिलेगा तो आपको ऑप्शन में फरीदाबाद मिलेगा। अगली बात छोटी पूछ ले क्षेत्रफल में कौन सी है, वो है बल्लभगढ़ या बलरामगढ़। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो आपको ऑप्शन में पंचकुला मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? पंचकुला। आपको ऑप्शन में पंचकुला मिलेगा। मैं रफ कर देता हूँ, अगर एग्जामिनर ये पूछ ले, देखो कि जनसंख्या के हिसाब से या जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से विधानसभा की सबसे बड़ी सीट कौन सी है? सबसे बड़ी सीट वो है बादशाहपुर, बादशाहपुर पड़ता है गुरुग्राम में, बादशाहपुर, बादशाहपुर। देखो जनसंख्या की दृष्टि से विधानसभा की सीट सबसे बड़ी कौन सी है, वो है बादशाहपुर जो है गुरुग्राम में, गुड़गांव जिसका नाम बदल दिया गया है, गुरुग्राम हो गया है, गुरुग्राम। देखो अगर आपसे जनसंख्या की दृष्टि से छोटी विधानसभा सीट पूछ ले, छोटी पूछ ले, वो है नारनौल, नारनौल, नारनौल पड़ता है महेंद्रगढ़ के अंदर, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़। देखो एग्जाम में ये पूछ लिया गया था कि किस शहर का या किस जिले का प्राचीन नाम नरराष्ट्र है, नारनौल का प्राचीन नाम नरराष्ट्र है। देखो एग्जाम में पूछ लिया गया था नारनौल का प्राचीन नाम क्या है, वो है नरराष्ट्र। अगला क्वेश्चन बनता है, देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है, देखो हरियाणा का, ये बनता है, देखो हरियाणा का ऐसा जिला कौन सा है, ऐसा जिला, हरियाणा का ऐसा जिला कौन सा है जिसके नाम से ही विधानसभा की सीट है, वो है झज्जर, झज्जर के नाम पर ही खुद एक विधानसभा की सीट है। ये इकलौता ऐसा जिला है जिसके नाम पर ही विधानसभा की सीट है। अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट बनता है कि हरियाणा का ऐसा जिला कौन सा है जिसके नाम पर कोई विधानसभा की सीट नहीं है, वो है कुरुक्षेत्र, वो है कुरुक्षेत्र।
ऐसा जिला है जिसके नाम पर है वो तो है झज्जर, ऐसा जिला जिसके नाम पर है ही नहीं वो है कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन ये बनता है, देखो हरियाणा की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन थी। देखो हरियाणा की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, वो थी सन्नो देवी, वो थी सन्नो देवी, वो थी सन्नो देवी। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि हरियाणा की विधानसभा के पहले पुरुष स्पीकर कौन थे। हरियाणा की विधानसभा के पहले पुरुष स्पीकर कौन थे, पहले फर्स्ट पहले पुरुष स्पीकर, या ये पूछ ले कि दूसरे अध्यक्ष कौन थे, दूसरे दूसरे अध्यक्ष कौन थे, वो थे राव वीरेंद्र सिंह, वो थे राव वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह। देखो राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी कौन सी थी। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी कौन सी थी, वो थी विशाल पार्टी, वो थी विशाल पार्टी। ये कहाँ से थे, रेवाड़ी से। एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि राव वीरेंद्र सिंह का संबंध किस जिले से है, वो है रेवाड़ी से। राव वीरेंद्र सिंह ये पूछ लिया जाता है कि किस अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे कम था, वो था राव वीरेंद्र सिंह का, मात्र 16 दिन का। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से अध्यक्ष हरियाणा के, कौन से अध्यक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो रह चुके हैं राव वीरेंद्र सिंह। ये हरियाणा के सेकंड सीएम भी रह चुके हैं। एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि कौन से अध्यक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो है राव वीरेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि एक और अध्यक्ष थे बनारसी दास गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता, ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री। देखो ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ये बनारसी दास गुप्ता अध्यक्ष थे विधानसभा के, जो एक टाइम पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, देखो ये रहा सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे। सर्वाधिक बार हरियाणा की विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे, वो रहे हरमिंदर सिंह चड्ढा, वो रहे हरमिंदर सिंह चड्ढा। सर्वाधिक बार हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष रहे हरमिंदर सिंह चड्ढा, कितनी बार रहे, 3 बार, 3 बार रहे। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि कौन हरियाणा के विधानसभा के लंबे कार्यकाल तक अध्यक्ष रहे, जिनका लंबा कार्यकाल था, लंबा कार्यकाल, वो थे सरदार तारा सिंह, तारा सिंह कब से कब तक ये रहे, 1982 से लेकर 1987। अगला क्वेश्चन ये बनता है 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, वो थे कंवरपाल गुर्जर। 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, वो थे कंवरपाल गुर्जर, कंवरपाल गुर्जर। देखो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि कंवरपाल गुर्जर का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, वो है जगाधरी, 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 वो वाली जगाधरी नहीं है, कदे फीलिंग ले जाओ, ये है यमुनानगर के अंदर, ये है यमुनानगर के अंदर। देखो
कंवरपाल गुर्जर 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री है हमारे, शिक्षा मंत्री। देखो अगला क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि हरियाणा का एकमात्र वर्कशॉप वर्कशॉप रेलवे वर्कशॉप हरियाणा एकमात्र रेलवे वर्कशॉप कहाँ पर है, वर्कशॉप कहाँ पर है, वो है जगाधरी में, जगाधरी। हरियाणा का एकमात्र रेलवे वर्कशॉप कहाँ पर है, जगाधरी। इसकी स्थापना कब हुई, 1952 को, 1952 को स्थापना नहीं, इसकी नींव टेकी गई थी 1952 को, इसकी नींव टेकी गई थी। चंडीगढ़ की नींव कब टेकी गई, 1952 को। कुरुक्षेत्र के बिड़ला मंदिर की नींव कब टेकी गई, 1952 को। देखो चंडीगढ़ की नींव कब टेकी गई, चंडीगढ़ की नींव 1952 को। कुरुक्षेत्र का बिड़ला मंदिर की नींव कब टेकी गई, वो टेकी गई 1952 को। देखो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बनता है कि कुरुक्षेत्र का जो बिड़ला मंदिर है उसके चारों तरफ दीवारों पर भगवत गीता के 700 श्लोकों का वर्णन अंकित है, इसलिए कुरुक्षेत्र के बिड़ला मंदिर को हम श्री मत भगवत गीता का मंदिर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, देखो 13वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, वो थे संतोष यादव। देखो 13वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, संतोष यादव, और अध्यक्ष थे कंवरपाल गुर्जर। 13वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं चुनकर आई थी, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कितनी महिलाएं चुनकर आई थी, वो आई थी 13। अब हम बात करेंगे 14वीं विधानसभा के बारे में, 14वीं विधानसभा के बारे में, 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, कौन है, ज्ञान चंद गुप्ता हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, इनका है पंचकुला, पंचकुला। देखो 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, ज्ञान चंद गुप्ता, इनका निर्वाचन क्षेत्र है पंचकुला। ज्ञान चंद गुप्ता ने किनको हराकर ये अध्यक्ष बने, इन्होंने हराया चंद्र मोहन बिश्नोई को, चंद्र मोहन बिश्नोई को, चंद्र मोहन बिश्नोई को। आप पूछोगे सर चंद्र मोहन बिश्नोई क्या वही है जो पूर्व हमारे मुख्यमंत्री थे भजन लाल, उनके बेटे हैं सर ये। हाँ जी, ये चंद्र मोहन बिश्नोई पूर्व सीएम भजन लाल के बेटे हैं, ये भजन लाल के बेटे हैं ये। देखो ज्ञानचंद गुप्ता 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र पंचकुला से है। इन्होंने हराया चंद्र मोहन बिश्नोई को, जो पूर्व सीएम भजन लाल के बेटे हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ज्ञानचंद गुप्ता व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर के हैं, वो है 18वें नंबर से नंबर के। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सीरीज वाइज बताओ भाई, सीरीज वाइज कितने नंबर के हैं, सीरीज वाइज हैं 21वें नंबर के। देखो ज्ञानचंद गुप्ता हैं व्यक्तिगत रूप से 18वें नंबर के हैं, और सीरीज वाइज 21 नंबर के हैं। स्पेलिंग पर मत जाना भाई, गलत स्पेलिंग गलत भी हो सकती है, पर बस भावना भावनाएं समझ में आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अगला क्वेश्चन ये बनता है, देखो कि 14वीं विधानसभा के 14वीं
विधानसभा के इलेक्शन कब हुए थे? वो हुए थे 21 अक्टूबर 2019 को इलेक्शन हुए थे हमारे 14वीं विधानसभा के 21 अक्टूबर 2019 को। रिजल्ट कब आया था इनका? रिजल्ट जैसे हमारा भी रिजल्ट आता है उसी प्रकार इनका भी रिजल्ट आता है। कब आया था? तीन दिन के बाद 24 अक्टूबर 2019 को इनका रिजल्ट आया था। तो ये अगला क्वेश्चन ये बनता है, किस विधायक की भारी वोटों से जीत हुई? किस विधायक की भारी वोटों से जीत हुई? वो ही थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भारी वोटों से जीत हुई। आप पूछोगे सर ये वोट कितनी थी? 53,312 वोटों से ये जीत गए थे, सबसे ज़्यादा वोट इन्हीं को मिली थी। अगला क्वेश्चन है, देखो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है ये लगातार पांचवीं बार जीते हैं। विधायक है जो भारी वोटों से जीते हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लगातार ये पांचवीं बार जीते हैं, कितनी वोटों से? 53,312। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि एक और विधायक हैं जो लगातार पांचवीं बार जीते हैं, वो कौन है? वो है रघुवीर कादियान। देखो रघुवीर कादियान का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? वो है बेरी झज्जर। अगला क्वेश्चन ये है, जो रघुवीर कादियान है वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो लगभग 75 साल के हैं। अगला क्वेश्चन ये बनता है, तो ये बताओ कि हमारे सबसे युवा सांसद कौन है? वो है दुष्यंत चौटाला। युवा सांसद दुष्यंत चौटाला। देखो दुष्यंत चौटाला की बात आ गई है तो इसके बारे में हम छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। देखो दुष्यंत चौटाला का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? वो है उचाणा। इनकी पार्टी कौन सी है? जे जे पी जननायक जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 2018 को। देखो दुष्यंत चौटाला का निर्वाचन क्षेत्र है उचाणा, इसकी पार्टी है जेजेपी, जननायक जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 2018। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि इन्होंने 14वीं विधानसभा में कितनी सीटें जीती? वो जीती 10 सीटें जीती। अगर इसका पार्टी का चुनाव चिन्ह वो पूछ ले वो है चाबी। इन्होंने चाबी से ताला खोल दिया और इनकी सरकार बन गई। देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि दुष्यंत चौटाला कितने नंबर के उप मुख्यमंत्री छठे नंबर के। इससे पहले 5 और मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो 5 और मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनके बारे में और पढ़ लेते हैं। देखो पहले कौन से हैं? पहले चांदराम, दूसरे हैं मंगल सेन और तीसरे वो है हुकम सिंह और चौथे हैं फोर्थ बनारसी दास गुप्ता। पांचवें है चंद्रमोहन बिश्नोई। वही है जिन्हें चंद्रमोहन बिश्नोई भजनलाल के बेटे हैं, ज्ञानचंद गुप्ता ने चंद्रमोहन बिश्नोई को हरा दिया है। चंद्रमोहन बिश्नोई को ये हमारे उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं चंद्रमोहन बिश्नोई, और हमारे छठे नंबर के हैं दुष्यंत चौटाला।
सबसे हमारे युवा सांसद है दुष्यंत चौटाला, मात्र ये 31 साल के हैं, मात्र ये 31 साल के हैं। अगला क्वेश्चन ये बनता है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बनता है, देखो ये बनता है, देखो 13वीं और 14वीं विधानसभा के लगातार सीएम कौन रहे, लगातार सीएम कौन रहे, वो रहे मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। देखो 13वीं और 14वीं विधानसभा में लगातार के सीएम कौन रहे, वो रहे मनोहर लाल खट्टर। अगर आपसे मनोहर लाल खट्टर के निर्वाचन क्षेत्र पूछ ले, निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, वो है करनाल, वो है करनाल। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि मनोहर लाल खट्टर कहाँ के हैं, वो है निंदाणा के, वो है निंदाणा, निंदाणा है रोहतक के पास, रोहतक में पड़ता है निंदाणा, रोहतक में। अगर आपसे मनोहर लाल खट्टर का जन्म पूछ ले कि इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 5 मई 1954 को, 5 मई 1954 को। ये मोस्ट मोस्ट प्रश्न बनता है, एग्जाम में पूछ लिया गया था कि वो एकमात्र मुख्यमंत्री कौन से है, वो एकमात्र मुख्यमंत्री कौन से है जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ, वो है मनोहर लाल खट्टर, इनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन ये बनता है, देखो कि अब तक कि हरियाणा में, हरियाणा में अब तक कितनी बार चुनाव हुए हैं, वो हुए हैं 13 बार। हरियाणा में अब तक कितनी बार चुनाव हुए हैं, वो है 13 बार। बीजेपी की सरकार पहली बार हरियाणा में 13वीं विधानसभा में हुई थी। देखो क्वेश्चन ये बनता है कि बीजेपी की सरकार पहली बार 13वीं विधानसभा में आई थी, इससे पहले हरियाणा में बीजेपी सरकार नहीं बनी थी, पहली बार 13वीं विधानसभा में बनी थी बीजेपी की सरकार। अगला क्वेश्चन ये बनता है, मंत्रिमंडल में हरियाणा के मंत्रिमंडल में कितने मंत्री बन सकते हैं, कितने मंत्री बन सकते हैं, वो बन सकते हैं 14। देखो हरियाणा के मंत्रिमंडल में कितने मंत्री बन सकते हैं, वो बन सकते हैं 14, वो बन सकते हैं 14। आप कहोगे सर वर्तमान में तो 12 मंत्री हैं, सर वर्तमान में तो 12 मंत्री हैं, आपने बोला 14। देखो 2 मंत्री अभी बनाए नहीं हैं, वो बनाने शेष रहते हैं। विधानसभा की सीटों का 15%, विधानसभा की सीटों का 15% ही मंत्रिमंडल में मंत्री बन सकते हैं, विधानसभा की सीटों का 15% ही मंत्री बन सकते हैं। विधानसभा की सीट है 90, इसका 15% निकालोगे आप, इसका 15% निकालोगे आप, ये बनेगी 13.5, 13.5। क्या हम एक व्यक्ति को बीच में से काटें, हम नहीं काट सकते, इसलिए 13.5 का हम 14 ले लेते हैं, कि 14 मंत्री बना सकते हैं हम हरियाणा में, लेकिन हरियाणा में बना रखे हैं 12, 2 मंत्री रहते हैं बनाने, जो बनेंगे एक तो बनेगा बीजेपी के कोटे से, बीजेपी के कोटे से, और दूसरा बनेगा जेजेपी के कोटे से, जननायक जनता पार्टी। देखो इनकी एक रणनीति है, ये क्या सोचते हैं, देखो बीजेपी वाले और जेजेपी वाले ये सोचते हैं कि 2 मंत्रियों को नहीं बनाते, अब बाद में बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, कि इनमें से बीजेपी के विधायकों में से और जेजेपी के विधायकों में से जो भी अच्छा काम करेगा अपने एरिया के अंदर, उसको हम मंत्री बना देंगे, उसको हम मंत्री का पद दे देंगे, ये मंत्री के पद के लालच में अच्छा काम करेंगे, इसलिए 2 मंत्री अभी बनाए नहीं गए हैं। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि मंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, वो दिलाता है राज्यपाल, राज्यपाल। शपथ पूछ ले,
कि हमारे मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? वो दिलाता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि विधानसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? वो चाहिए 25, वो चाहिए 25। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन, कुछ विधानसभाओं के दौरान, कुछ विधानसभाओं के दौरान हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा था, कुछ विधानसभाओं के दौरान हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा था, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखो 1967 में लगा था, 1977 में लगा था और 1991 हरियाणा में कुछ विधानसभाओं के दौरान राष्ट्रपति शासन लगा था। कब कब लगा था? 1967 में लगा था, 77 में लगा था, 91 में लगा था। अगला क्वेश्चन ये बनता है, जब राष्ट्रपति शासन लगा उस टाइम के मुख्यमंत्री कौन थे? वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन थे? तब थे, इसकी एक ट्रिक है, राव बनारस चले। आप पूछोगे सूर्य कैसी ट्रिक है? देखो ये वर्तमान के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट है, राव बनारस चले। देखो राव से बनाएगा राव वीरेंद्र सिंह। देखो राव वीरेंद्र सिंह, राइटिंग मृत सूत्र है, इस पर गौर नहीं किए गए, गौर मत करना। देखो राव वीरेंद्र सिंह, और दूसरे हैं बनारसी दास गुप्ता, वो है बनारसी दास गुप्ता। अगले हैं चले से ओम प्रकाश चौटाला। देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है, तब राव वीरेंद्र सिंह थे, तब राष्ट्रपति शासन लगा, उसके तुरंत बाद कौन से मुख्यमंत्री उभर कर आए? उसके नेक्स्ट सीएम कौन बने? नेक्स्ट सीएम वो बने, इसकी भी एक ट्रिक है, बंसी ने किसके भजन गाए? देवी के। देखो बंसी से बनेगा बंसी लाल, और देवी से बनेगा देवी लाल, और भजन से भजन लाल। इन हरियाणा में ये लाल हुए हैं, जिनका हमारे हरियाणा के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल है, हरियाणा को बहुत आगे तक ले जाने के लिए, बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि विधानसभा के जब ये राष्ट्रपति शासन लगे थे उस टाइम के राष्ट्रपति कौन थे? देखो जब लगा 1967 में राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे। अगले कौन थे? बी डी दत्ती। अगले कौन थे? वो थे आर वेक्टर मन। वो थे आर वेक्टर मन। देखो अगर आपसे राज्यपाल पूछ ले किस टाइम के राज्यपाल कौन थे, राज्यपाल यहाँ पर मैं राज्यपाल लिख देता हूँ, राज्यपाल थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और अगले थे जय सुखलाल हाथी। और तीसरे थे, वो थे राज्यपाल हमारे धनिक लाल मंडल। देखो राज्यपाल थे हमारे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, जय सुखलाल हाथी और धनिक लाल मंडल, ये हमारे तब राज्यपाल थे जब हमारे विधानसभा के दौरान राष्ट्रपति शासन लगा। अगले क्वेश्चन करते हैं हम, अगला क्वेश्चन है देखो,
अगला क्वेश्चन ये बनता है, ईवीएम का पहली बार प्रयोग कब हुआ था हरियाणा में? ईवीएम का पहली बार प्रयोग हरियाणा में कब हुआ? वो हुआ 2007 में। 2007 में आप पूछोगे सर ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, वो होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2007 में हुए थे पंचायती चुनाव में। देखो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में ईवीएम का पहली बार प्रयोग कब हुआ था, वो हुआ था 1982 में, भारत में हुआ था 1982 में, कहाँ पर हुआ था? केरल में। केरल में। अगला क्वेश्चन ये बनता है, ईवीएम का पूर्ण रूप से प्रयोग कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था गोवा के अंदर। वो हुआ था गोवा के अंदर। देखो ईवीएम का हरियाणा में पहली बार प्रयोग कब हुआ? 2007 में पंचायती चुनाव में। ईवीएम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और भारत में पहली बार प्रयोग हुआ था 1982 में, कहाँ पर? केरल में। और पूर्ण रूप से का मतलब है कि सारी प्रोसेस इलेक्शन की ईवीएम के तहत हुई थी, वो हुई थी गोवा के अंदर। अगला क्वेश्चन ये बनता है, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। देखो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो वी वी पैट क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? वो देखो पहले इसकी फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। पिछले एग्जाम जो हुए थे उनमें मैं पूछ लिया गया था कि VVPAT में ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है ऑडिट। देखो VVPAT का पहली बार प्रयोग कब हुआ था? ये हुआ था जींद उपचुनाव में 2019। VVPAT का पहली बार प्रयोग कब हुआ था? जींद उपचुनाव में 2019 में। इसकी फुल फॉर्म होती है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। आप पूछोगे सर इसका मतलब क्या होता है, दोबारा बताओ। देखो VVPAT एक मशीन है जो हमें यह बता देगी कि हमने वोट किसको डाला है, कि हमने वोट किसको डाला है। इस 7 सेकंड तक हम जिस बटन पर क्लिक करते हैं ये उसका फोटो हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने दिखा देगा कि आपने इस बटन पर क्लिक किया है, और इस जो जिन्हें आप जिस पार्टी को आपने समर्थन दिया है उस पार्टी का चिन्ह ये है। इससे क्या होगा, लोगों में शांति बनी रहेगी कि हमने हमारा वोट अच्छी जगह डाला है। अगला क्वेश्चन ये बनता है, देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है, देखो अब हम बात करेंगे कि हरियाणा के मंत्रियों को कौन कौन से मंडल मिले हुए हैं, या को अब हम बात करेंगे हरियाणा के मंत्रियों के बारे में, जो हमारे मंत्री हैं 12, उनको कौन कौन से विभाग मिले हुए हैं, कौन कौन से मंत्रालय मिले हुए हैं, उनकी बात करते हैं। पहले मंत्री हैं हमारे सीएम, हमारे सीएम कौन है? मनोहर लाल को कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है, कौन सा मंत्रालय मिला हुआ, वो मिला हुआ वित्त मंत्रालय। आप कहोगे सर क्या उनको इनको और भी मंत्रालय मिले हुए हैं? हाँ मिले हुए हैं। देखो मनोहर लाल खट्टर को बाकी सब वो मंत्रालय मिले हुए हैं जो बाकी 11 मंत्रियों को नहीं मिले। देखो बाकी वो मंत्रालय मिले हुए हैं जो बाकी 11 मंत्रियों को नहीं मिले, वो बाकी को कौन संभालेगा? मनोहर लाल संभालेंगे। देखो अगर इसका निर्वाचन क्षेत्र पूछ ले, वो है
करनाल, करनाल से ये चुनाव लड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? वह उचाणा, उचाणा। देखो इनको कौन कौन से विभाग मिले हुए हैं मैं आपको बोल के बता देता हूँ। देखो वो मिले हुए हैं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्आवास, श्रम व रोजगार, सार्वजनिक निर्माण, उपभोक्ता मामले, आवकारी और नागरिक आपूर्ति। तीसरा है देखो तीसरे मंत्री कौन हमारे, तीसरे मंत्री है अनिल विज, अनिल विज। इनका निर्वाचन क्षेत्र है अंबाड़ा, अंबाड़ा। इनको अनिल विज को हम प्यार से क्या बोलते हैं, ढाडी वाले बाबा बोलते हैं हम अनिल विज को बड़े प्यार से, ढाडी वाले बाबा। इनका निर्वाचन क्षेत्र है अंबाड़ा। इनके पास गृह मंत्रालय है, इनके पास गृह मंत्रालय है। अगर सीएम के बाद सबसे ज़्यादा पावर जिसकी होती है ना वो गृह मंत्री की होती है। गृह मंत्री कौन है हमारे, अनिल विज। इनके पास और कौन सा मंत्रालय है वो देखो, इनके पास है आयुष, चिकित्सा, विज्ञान और तकनीकी, शिक्षा, स्थानीय निकाय। अगले हमारे मंत्री फोर्थ नंबर के कंवरपाल गुर्जर, कंवरपाल गुर्जर, कंवरपाल गुर्जर जो हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, जो हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री है। इनको मंत्रालय मिला हुआ शिक्षा का। अगर इनका निर्वाचन क्षेत्र पूछ ले, निर्वाचन क्षेत्र वो है जगाधरी, जगाधरी। वो वाली जगाधरी नहीं है बोतल वाली, ये यमुनानगर में पड़ती है, यमुनानगर। देखो कंवरपाल गुर्जर इनको मिला मंत्रालय शिक्षा मंत्री का। इनका निर्वाचन क्षेत्र है जगाधरी, यमुनानगर। उनके पास और कौन सा मंत्रालय है वो देखो, इनको मिला हुआ है वन व पर्यटन, संसदीय मामले। इनके भी ये मंत्री हैं। अगले हैं मूलचंद शर्मा, मूलचंद शर्मा पाँचवें नंबर के हैं, मूलचंद शर्मा, मूलचंद शर्मा। देखो इनका निर्वाचन क्षेत्र पूछ ले, इनका है बल्लमगढ़, बल्लमगढ़। वर्तमान में बलरामगढ़ है फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद के अंदर। इनके इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं वो हम पढ़ लेते हैं। देखो इनके पास मंत्रालय हैं परिवहन, उद्योग, खनिज व खनन, कौशल विकास। इनके पास ये मंत्रालय हैं। अगले हैं हमारे छठे नंबर के रणजीत सिंह, रणजीत सिंह, रणजीत सिंह। इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है रणजीत सिंह का? इनका है रानिया, जो रानिया सिरसा में पड़ता है, रानिया, रानिया सिरसा में पड़ता है। अगर इन ये पूछ ले कि इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, इनके पास मंत्रालय है रणजीत सिंह के पास देखो, बिजली, जेल, नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा जिसको हम अक्षय ऊर्जा भी बोलते हैं। ये हमारे सबसे बुजुर्ग है, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, और ये हमारे निर्दलीय विधायक हैं, हमारे निर्दलीय विधायक, निर्दलीय विधायक हैं जो मंत्री बने हैं रणजीत सिंह, जो रानिया सिरसा से चुनाव लड़ते हैं। अगले हमारे सातवें हैं, सातवें नंबर के देखो, सातवें नंबर के हमारे, सातवें नंबर के वो है जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल। अगर हमें इनका निर्वाचन क्षेत्र पूछ ले तो इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है वो है लोहारू, लोहारू भिवानी, लोहारू भिवानी। इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं वो देखो, जेपी दलाल के पास वो है सातवें नंबर के हमारे जेपी दलाल। देखो इनके पास है पशुपालन व डेयरी, कृषि मंत्रालय, किसान कल्याण कानून एवं विधायी मामले। इनके पास ये मंत्रालय हैं। आठवें नंबर के हमारे देखो वो है बनवारी लाल, बनवारी लाल, बनवारी लाल का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है वो है बावल, बावल है रेवाड़ी के अंदर, बावल है रेवाड़ी के अंदर। देखो इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं वो हम पढ़ लेते हैं। देखो बनवारी लाल के पास हैं अनुसूचित जाति,
जनजाति व पिछड़ा वर्ग व कल्याण विभाग इनके पास ये मंत्रालय हैं। अगले हमारे ओपी यादव, हमारे अगले हैं ओपी यादव, ओम प्रकाश यादव। इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? इसका है नारनौल, इसका है नारनौल महेंद्रगढ़। ये यहाँ से चुनाव लड़ते हैं महेंद्रगढ़ से, महेंद्रगढ़ के नारनौल से। देखो ओपी यादव, अगर इनके मंत्रालय पूछे इनके मंत्रालय कौन से हैं, मिले हुए हैं ओपी यादव को, ओम प्रकाश यादव को वो मिले हुए हैं। देखो सामाजिक न्याय, सैनिक व अर्धसैनिक, सशस्त्रीकरण मिले हुए हैं। अगला है दसवें नंबर के वो है हमारे दसवें नंबर के कमलेश ढांडा, कमलेश ढांडा। देखो कमलेश ढांडा ये एकमात्र महिला है जो मंत्री बनी है, कमलेश ढांडा। इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? वो है कलायत, कलायत कैथल। इनके पास कौन कौन से मंत्रालय है वो देखो, इनके पास है महिला व विकास मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय और अभिलेखागार, और अभिलेखागार। अगले हमारे 11वें नंबर के वो है अनूप धानक, अनूप, वो है अनूप धानक। देखो अनूप धानक ये हिसार से हैं, हिसार के उकलाना से, हिसार के उकलाना, उकलाना से ये चुनाव लड़ते हैं। अनूप धानक हिसार के उकलाना से चुनाव लड़ते हैं। अगर हम इनका वो पूछ लें इनका, इनके पास मंत्रालय कौन सा है? मंत्रालय इसके पास मंत्रालय है श्रम व रोजगार, श्रम व रोजगार। और अगला है इनके पास है, वो है म्यूजियम, म्यूजियम, म्यूजियम। देखो आपको हो गए सर, आपने दुष्यंत चौटाला का बताया था श्रम व रोजगार, तो आपने स्कोर बता दिया। देखो अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए श्रम व रोजगार मंत्रालय किसके पास है, वो है दुष्यंत चौटाला के पास है। ये सिर्फ अनूप धानक दुष्यंत चौटाला की हेल्प करेंगे श्रम व रोजगार में, सिर्फ हेल्प करेंगे। अगर ऑप्शन में दुष्यंत चौटाला ना मिले तो आप अनूप धानक पर टिक कर सकते हो। अगला किस, अगला है हमारे मंत्री 12वें नंबर के हैं, वो है देखो 12वें नंबर के हैं हमारे संदीप सिंह, 12वें मंत्री है संदीप सिंह। ओह ये है खेल मंत्री, खेल मंत्री और हमारे युवा मंत्री हैं ये संदीप सिंह। कहाँ से ये चुनाव लड़ते हैं? पेवा जो कुरुक्षेत्र के अंदर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। इस ये हमारे हॉकी टीम के कप्तान है, ये हमारे हॉकी टीम के कप्तान है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। अगर आपको कहीं पर कमी नज़र आती है कमेंट सेक्शन में आप अपना सुझाव दे सकते हैं, ताकि हम भविष्य में अपनी गलती को हम सुधार सकें। और मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को कर दो प्रेस। धन्यवाद।